नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि एलपीआर जो सिस्टम होता है, यानी लिक्विड पंप रीसर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, ये यूनिट्स इवेपोरेटर के साथ में अक्सर यूज किया जाता है, उसके साथ में बेहद ही सक्सेसफुल होता है। लेकिन दोस्तों क्या यह बैंकर इवेपोरेटर के साथ में सक्सेसफुल होता है या नहीं, बढ़िया काम करता है नहीं, इसी बात को इस वीडियो में हम जानेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि बैंकर जो होता है ये एलपीएस सिस्टम के साथ में बेहद ही सक्सेसफुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ये बढ़िया काम करता है, ठीक है। जिस तरह ये यूनिट के साथ में काम करता है उसी तरह बैंकर के साथ में भी काम करेगा और ये आपके प्लांट का सेफ्टी भी रखेगा और ये यूनिट के जैसा ही एफिशिएंट होगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यूनिट और बैंकर दोनों में कुछ अंतर होता है, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों यूनिट के बारे में, तो यूनिट एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें पतले और छोटे पाइप इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्वाइल बनाने के लिए पतले और छोटे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कारण उसके अंदर बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसके चलते उसके लिए कम लिक्विड चाहिए होती है, यानी यूनिट जो होता है ये लिक्विड कम कंज्यूम करता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें बैंकर की, तो बैंकर में लंबे और मोटे पाइप की आवश्यकता होती है, लंबे और मोटे पाइप की क्वाइल बनी होती है, जिसके कारण से उसके अंदरूनी स्पेस बहुत ज्यादा होता है और ये ज्यादा लिक्विड का खपत करता है, इसके लिए ज्यादा लिक्विड चाहिए होगी, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों दोनों में अंतर ये हुआ कि यूनिट जो होता है इसमें कम पाइप लगा होता है, पतले पाइप लगा होता है, और बैंकर में ज्यादा और मोटे पाइप लगा होता है, इसलिए दोनों का लिक्विड कंज्यूम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। एलपीएस सिस्टम को बैंकर और यूनिट इवेपोरेटर के साथ में यूज करने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलपीएस सिस्टम को यूनिट इवेपोरेटर के साथ में यूज करने के फायदे के बारे में। तो यूनिट में कम लिक्विड की खपत होती है, इसके लिए छोटे एलपीएस सिस्टम की आवश्यकता होगी, इसका रिसीवर भी छोटा होगा और पंप भी कम लगेगा और छोटे पंप की आवश्यकता होती है, इसलिए ये छोटे पंप भी इसके लिक्विड के फ्लो को बनाए रख सकता है और ये बढ़िया एफिशिएंट तरीके से काम करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बैंकर के साथ में एलपीएस सिस्टम को यूज किया जाए तो बैंकर ज्यादा लिक्विड को कंज्यूम करता है, इसलिए इसे ज्यादा लिक्विड फ्लो चाहिए और इसके लिए बड़े एलपीएस सिस्टम की आवश्यकता होगी, यानी इसका रिसीवर जो होता है ये भी बड़ा होना चाहिए और लिक्विड पंप जो होता है ये भी कैपेसिटी में बड़े भी होना चाहिए और काउंटिंग में भी ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा आएगा, यानी पूरे प्लांट का कैपेसिटी के अनुसार इसमें ज्यादा पंप लगेगा और बड़े सिस्टम लगेगा। लेकिन अगर यूनिट हो तो उतना ही प्लांट के कैपेसिटी के अनुसार उसमें छोटे पंप की आवश्यकता होगी, छोटे एलपीएस सिस्टम की आवश्यकता होगी, इसलिए बैंकर के साथ में एलपीएस सिस्टम का यूज करने से ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल की खपत होगी। इसके विपरीत यूनिट के साथ में एलपीएस सिस्टम का यूज किए जाने पर छोटे एलपीएस सिस्टम की आवश्यकता होती, छोटे पंपों की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें यही अंतर है कि अगर हम एलपीएस सिस्टम को बैंकर के साथ में यूज करते हैं तो उसमें बड़े सिस्टम की आवश्यकता होगी, ज्यादा लिक्विड पंपों की आवश्यकता होगी और उसमें ज्यादा लिक्विड पंप करना पड़ेगा, जिसके कारण से उसका इलेक्ट्रिक बिल जो है ये बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यूनिट के साथ में एलपीएस सिस्टम को यूज करने से कम लिक्विड की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें एलपीएस सिस्टम भी छोटा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों यूनिट के साथ में एलपीएस सिस्टम सक्सेसफुल होता है, इलेक्ट्रिक बिल की खपत को कम करता है, लेकिन बैंकर के साथ में इसके विपरीत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस बात को आपने समझ लिया होगा कि दोनों में बेसिकली क्या अंतर है और क्या फायदे क्या नुकसान है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।